Yeah.
भी आपके आंगन में जा रहे घुमाएंगे उसका सम्मान इज्जत देना भी आवश्यक है, क्योंकि वो कोई ना कोई आपके पतिदेव के साथ रिश्ते नाते हैं, आपके सास ससुर से संबंधित लोग हैं, उनका भी हो गया बाद में अपने घर में किए हैं वैसे ही करना। पहले अग्नि को दिया जाता है, उसके बाद में ही अपने खाया जाता है। उसी प्रकार जैसे कि आप अपने माँ बाप को पहले खिलाएंगे, उसके बाद में खुद खाएंगे। जलाइए ओम भूर्भुवः स्वः ओमिनः पृथिवी वर्ण्यः दशास्ते पृथिवी देव यजनी कृते अग्निं मन्यादमन्यादादे अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाह मुकुर्वे देवा आशादयादि ओम अग्ने नमः। एक कभी भी खाना बनाएंगे तो स्वच्छता को ध्यान देना। घर के अंदर में ऐसे नहीं कि चूहा मर गया है, चूहा में बिल्ली लेटरिंग कर दिया है और सास ससुर तो देख नहीं रहे हैं, काहे के सास ससुर तो बूढ़ा हो गया, अभी उनका नजर कम हो गया है। वैसे ही जला देती हूँ या फिर झूठा पानी नाली से ला के हम अपने पिला दे, सास ससुर तो थोड़ी देखेंगे, गट में पी देंगे, कसादी पकड़ेगा, बरसों से सो जाएंगे चुपचाप। ऐसे नहीं सोचना, स्वच्छता को ऊपर में रखना है, इसीलिए जल प्रशेषण किया जाता है पूरा तरह व्रत। और ये ओम अदि देव मनस्वर ओम सरस्वती कुमार ओम देव सविता प्रभु भगाति आज्ञा बुद्धि वो भी है। पटने वाला था प्रकृति
या आपको बैठा दीजिए उनका भी, और उसके लिए जो सारा धोती दे दिए हैं, सारा धोती मिला है उसको, कुछ नहीं मिला है, आप आता नहीं तो भावा उसके बिना नहीं घूमेगा। अभी वहाँ सारा धोती को देना पड़ेगा, जब भावा जाएगा शंकर भोला देवया आशीर्वाद, शंकर भोला देवया आशीर्वाद, भक्ति भामा तोरा मन लगी रही बिटिया हो, लगी रही बिटिया छिटो ना रोज सिंदूर भर लगाना है, अगर नहीं लगाएगी तो आपको टोकना पड़ेगा, ठीक है।
उससे आपकी आयु बढ़ेगी और उसका भी आयु बढ़ेगा दोनों जन का। तीन चार पहले ट्रेन में जाओगे तो टिकट भी अच्छा जल्दी मिलेगा। एक हाथ को ऐसे सामने रखना है, ऐसे करके ऐसे मांग में ऐसे मांगना, इधर भी देखना है इनके तरफ, नहीं तो आंख बंद होगा तो बोलेंगे कि अंधवार। एक अध्याय पहुंच रहे हैं आप लोग उनके साथ।